Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. So it is going to be our first online class, and this is going to be your ninth week. And from the ninth week onwards, we'll be studying till further instruction. We'll be studying on online. So far, what I know that is that we'll be having online classes in the current week. I don't know whatever the instructions you got, but what the instruction that I got, I am just telling you. So, I'm sure that you are looking at my screen and you can see that there is Bismillah ar-Rahman ar-Rahim present there. And now, in today's lecture, we'll be talking about writing a curriculum vitae. Once you have completed your studies, once you have completed your academic qualification and the thing like these, and now if you are going to apply for a job, so you have to write your CV in such a way that the employer is convinced. इस अंदाज से आपने अपने आप को पेश करना है, ठीक है? जैसा एक प्रोडक्ट होती है, उसको जो बेचने वाला होता है वो प्रोडक्ट को दिखाता है, बेचने वाले जिसके ऊपर उसने बेचने की उसको दिखाता है, तो उसकी खूबियां बताता है. हर आदमी के हिसाब से उसकी खूबियां भी वो उसके हिसाब से ही बताता है. सो वंस यू हैव कंप्लीटेड योर स्टडीज, वंस यू हैव लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, सो यू आर ऑल्सो अ प्रोडक्ट फॉर द एम्प्लॉयर्स. ठीक है, जो नौकरियां देने वाली जिनकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बेसिकली उनके लिए आप एक प्रोडक्ट की सूरत में होते हैं. वो क्या आपको खरीदें कि नहीं खरीदें, क्योंकि उसके बदले में वो आपको दे पे यू. द मोर यू कन्विंस दैम, द मोर यू विल बी पेड. जिस तरह जिस अंदाज से आप अपने आप को पेश करेंगे, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू कन्विंस द एम्प्लॉयर एंड यू विल गेट बेटर ऑप्शन फॉर द जॉब. सो If we talk about that, if we start talking about that, so let's first after all, I'm talking about the first on the first slide that is related to understanding CV. क्या चीज़ है, किस बला का नाम है? बेसिकली CV जो है एक ऐसी चीज़ है कि जिसकी बेस पे आपको आपकी स्क्रीनिंग की जाती है कि आपको रखा जाए या ना रखा जाए, आपको आपको ये अपॉर्चुनिटी दी जाए या ना दी जाए. सो टिपिकली यूज टू स्क्रीन एप्लीकेंट्स आफ्टर फॉलोड बाई एन इंटरव्यू. ये एक ऐसी चीज़ है, इसके बाद फिर वो यानी कि स्क्रीन करने के बाद ही ये फैसला किया जाता है कि आपको जॉब दी जाए कि ना दी जाए. ठीक है, दैट इज फॉलोड बाई एन इंटरव्यू. इट मीन्स दैट दोज पीपल आर शॉर्ट लिस्टेड हु कन्विंस द एम्प्लॉयर. ये बात ध्यान में रखनी है कि ये एक ओवरव्यू है आपके पर्सनल एक्सपीरियंस और आपके अदर क्वालिफिकेशंस का, और ये एक इंडिकेटर है बेसिकली कि जो ये बताता है कि आपको क्यों रखा जाए, क्यों आपको इस जॉब पे रखा जाए. ठीक है, सो इन सीवी यू हैव टू गिव एन आउटलाइन ऑफ योर पर्सनल एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल हिस्ट्री. सो इट मस्ट बी फ्लेक्सिबल एंड कन्वीनियंट इन सच अ वे दैट इट वुड पेव द वे फॉर यू टू बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द इंटरव्यू. यानी इतनी कन्विंसिंग हो, इतनी फ्लेक्सिबल हो. अखबार में जब एडवर्टीजमेंट आती है, आप उस एडवर्टीजमेंट को देखते हैं, एम्प्लॉयर की डिमांड को देखते हैं, और उसके हिसाब से आप अप्लाई करते हैं जॉब के लिए. आप उस अपॉर्चुनिटी के लिए उसके हिसाब से अप्लाई करते हैं. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू लुक एट द एडवर्टीजमेंट वेन यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर द जॉब. उसको अच्छी तरह पढ़ें और उसके मुताबिक आप अपना सीवी तैयार करें. समटाइम्स यू आर ऑफर्ड विद एन एप्लीकेशन फॉर्म टू प्रोवाइड एसेंशियल इंफॉर्मेशन एंड अदर पर्सनल क्वालिटीज दैट द एम्प्लॉयर नीड्स. ठीक है, जो उसको चाहिए होता है उसके मुताबिक वो आपसे पूछता है. पर नॉर्मली जब आपको इस तरह का नहीं कहा जाता, फॉर्म नहीं मिलता, और आपने अपने आप अपने बारे में बताना है, अपने आप को अपने सेल आउट करना है, सो यू हैव टू डू समथिंग. You have to do something special so that the employer is convinced. कुछ ऐसा काम करेंगे. So, look at this slide. CV should include your personal details, your personal profile statement, your achievements, your education, your employment and work history, your qualifications, skills, hobbies, and interests and references. ये सारी चीजें आपकी CV का हिस्सा होती हैं. जब आप CV लिखते हैं, जो कुछ आपने पढ़ा, जो कुछ यानी कि
for the first time you're going to apply for the job, or you are an experienced person and you are going to apply for another job. Both cases, ये चीजें आपने इसी तरह provide करनी होती हैं. So usually we commit certain mistakes while writing a CV, and that looks quite awkward. I was reading a CV of somebody, and he wrote his marital status, about his date of birth, and the things like these. But that was not needed. So until or unless you are asked for these details about your gender, about your job, about your age, about your children, about your marital status, you need not to tell. غیر ضروری انفارمیشن نہ لکھیں ادھر. سو لیٹ سی ہاؤ وی ہیو ٹو انکارپوریٹ پرسنل ڈیٹیلز ان دا سی وی. سو لک ایٹ دس ایگزامپل. وی کین سی ان دس سلائیڈ دیٹ ان دا سی وی دیٹ ہاؤ ا پرسن ہیز اپلائیڈ فار دا جاب. سو لک ایٹ دا ایگزامپل دیٹ بیسیکلی یور پرسنل ڈیٹیلز آر provided at the top center of your CV, and it is the first thing that your prospective employer will see. Jab aap apply karenge, sabse pehle ye cheez nazar aayegi. So look at this bad example about Mark Taylor. He wrote address. Sabse pehle isne title de diya, curriculum vitae, phir address likha, phir date of birth, nationality, gender, marital status, ye sari cheeze likhi. Kya zarurat thi iski? Kya ye batana zaruri hai? کیا یہ کوئی ریلیونٹ ڈیٹیل ہے؟ از اٹ ریلیونٹ اور ناٹ؟ سو لیٹس سی, لیٹس ہیو اے لک ایٹ دا ادر ایگزامپل. فرسٹ وی ہیو ٹو ریموو دا مسٹیکس ان اٹ, کہ سی وی کے اندر ہونا کیا چاہیے. میں نے کہا کہ دس از اے بیڈ ایگزامپل. اف اٹ از اے بیڈ ایگزامپل دین واٹ وڈ بی دا رائٹ ایگزامپل, واٹ وڈ بی دا گڈ ایگزامپل دین. سو اف دس از اے بیڈ ایگزامپل, so what are the good examples? So your CV, first of all, the heading, as here you have seen in this slide, curriculum vitae, this is a heading. So iski zarurat nahi thi. Saab ne jo kuch likha aap slide mein dekh rahe hain, kuch information jo thi that was not needed, aur usko bhi saath saath lagaya yahan pe. So the CV should be the candidate's full name written in large bold letters centered on the page, not curriculum vitae. You need not to write like this. ٹھیک ہے, یہاں پہ جو ہم نے بیڈ ایگزامپل دیکھی نا, یہاں پہ یہ والی curriculum vitae, سو اس کی ضرورت نہیں تھی, بلکہ نام بڑا کر کے لکھا وہ واضح ہونا چاہیے. بولڈ لیٹرز میں ہو, سینٹرڈ آن دا پیج. ٹھیک ہے, curriculum vitae یا سی وی نہ لکھا ہو بلکہ بندے کا نام لکھا ہو. دین the second thing, that is your email address. How your proposed employer will have to contact you, that is your email address. So it should be professional, not like this cool guy 007@hotmail.com, azadparinda@gmail.com, isi tarah shikari@flanaflanaflan. So it should not be like that. Your email address should be professional. You are going to apply for the job, so be professional. The next thing is here that you need not to write address. The word address, ye likhne ki zarurat nahi hai, nahi hoti hai. Address hi diya hua aapne, no need to write like that. Theek hai, balki actual address likhein aur concise is andaaz se likhein, that should be concise. Kam se kam alfaaz ho aur zyada zyada aapne baat batayi ho, because jitna zyada aap jagah in cheezon pe lagayenge, ultimately utna thoda space aapke paas baad mein bachega CV ki baaki information incorporate karne mein. Then nationality, date of birth, gender and marital status, these are optional details. No need to write these details. Us waqt tak aapne ye nahi likhne jab tak aap se kaha nahi jata ki ye details dein. Theek hai, nationality ki, date of birth ki, marital status ki. Sometimes you need to tell these things. For example, they say that only the nationals of Pakistan can apply, so aap nationality likhenge. اگر وہ کہتے ہیں جی کہ اتنی ایج اس عمر کے تک کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں, یو مسٹ رائٹ دا ڈیٹ آف برتھ دیئر. اف دے سے دیٹ اونلی میل کین اپلائی, یو کین رائٹ دا جینڈر, میل اور فیمیل, اینی ون. اونلی میرڈ اور ان میرڈ کین اپلائی, سو وہاں پہ آپ میریٹل اسٹیٹس لکھیں گے. ونس اگین آئی ایم سیئنگ دیٹ فرسٹ یو ہیو ٹو لک ایٹ دا ایڈورٹیزمنٹ, واٹ دا انفارمیشن از نیڈیڈ. سو اکارڈنگ ٹو دیٹ یو ہیو ٹو adapt your CV, you have to incorporate the information in it.
So when you're going to give personal details, so you have to be very careful. You have to look at the advertisement and you have to give only that detail which is needed. So do not give unnecessary details. Okay? So look at the example. The bad example is there and this one is a good example. So in the bad example, the person has given extra details and he also written the name, curriculum vitae and address and so on. ठीक है, जब आप गली मोहल्ले में बैठे बंदे को कहते हैं ना कि मुझे सीवी बना के दो, वो इसी तरह की बना के देते हैं, द वन दैट इज द बैड एग्जांपल. ठीक है, जो बैड एग्जांपल है उसी को देख के बनाता है. गुड एग्जांपल आपके सामने मौजूद है, डेविड गिबन्स 57 आउटलैंड रोड डिंगली. सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल. ठीक है, बेहतर एग्जांपल है. इस तरह आपने बनानी है सीवी, आपने इस तरह बनानी है. After the completion of lecture, बैठें घर में बैठ के खुद अपनी बनाने की कोशिश करें. Try to make your own CV. Okay. Then comes personal profile. You are going to tell the employer about your personal objectives. So this is a statement that tells the employer about your personal skills, qualities, and experiences, and your career ambitions. I have incorporated a bad example there. You can see that I am a hardworking individual who enjoys working. I'm excellent at meeting deadlines. I have 2 years of experience in business and I would like to contribute to a business with my excellent skills and past work experience. So these things are not as clear as the employer needs. ठीक है, जब आप उसको आप बड़ा वाज़े पैगाम आप देंगे, बड़ा क्लियर आइडिया उसको देंगे कि आप क्या कहना चाह रहे हैं. So this is a bad example. So personal profile needs to be punchy and should outline the candidate's personal qualities as they relate to the role they are applying for. जब आप अपने सीवी सेटल करेंगे, सीवी क्यों लिखी जाती है? फॉर द जॉब. पहले जॉब आती है, उसके बाद सीवी लिखी जाती है. जॉब को देखें, क्या डिटेल्स मांगी हैं, उसके मुताबिक आप अपनी पर्सनल प्रोफाइल भी उसी हिसाब से लिखें. पर्सनल स्टेटमेंट भी वही बनाएं. Don't add irrelevant details. So do not give vague statements that are not specific enough to carry any weight or meaning. For example, 2 years of experience in business. What kind of experience you're talking about? My excellent skills. So which skills you are saying? We don't know about that. Then try to be as specific as possible and include real world examples in your personal profile statement. All sections of a CV excluding the personal details should be appropriately labeled. Label kare usko, bataye na ki aapka kya kya aapne hasil kiya. Abhi hum dekhenge, example dekhenge. Look at this one. We have seen the bad example, now look at the good example. A motivated, adaptable and responsible computing graduate seeking a position in an IT position which will utilize the professional and technical skills developed through past work experience in this field. So he is going to apply, a computing graduate is going to apply for IT position. So kis tarike se usne bataya apne bare mein? I have a methodical, customer focused approach to work. He is talking about his skills, ki main kaisa hun, and a strong drive to see things through to completion. In my current job, I have managed the launch and migration of 2 major IT systems which was completed on time and within budget. अचीवमेंट्स भी बता दी उसने अपने काम करने का तरीकेकार भी बताया, अपना तारफ भी करवाया, अपनी अचीवमेंट्स भी बता दी. पर्सनल प्रोफाइल उसने इस तरह बनाई कि पहले मैंने क्या किया, इससे पहले मैंने क्या किया. ही टोल्ड अबाउट इस पर्सनल प्रोफाइल. ठीक है, अच्छा. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन राइट इट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन. मैं उसको साथ साथ देख रहा हूँ आपकी चैट को. ओके, सो नाउ लेट्स लुक एट द अचीवमेंट्स. So that will be the next part of your CV when you're going to write it down. As we have seen before, that the first one is your personal profile details, then personal profile, then achievements. So look at that, how you have to write down, what you have to write down in your achievements. Here you have to give a list of impressive achievements or accomplishments. आपने क्या अचीव किया, क्या हासिल किया, आपने उसके बारे में बताना है. Abilities, determination and desires to be successful. Look here,
कि किस तरह उसने बताया जो आपने गली मोहल्ले में बैठे बाबे से कहा कि राइट डाउन द सीवी, ठीक है, बनी बनाई उसने दी, तो उसने इसी तरह बस लिख के दे दी, उसके पास एक पड़ी हुई थी, फिनिश माई कॉलेज स्टडीज, करंटली वर्किंग एज एन IT सपोर्ट असिस्टेंट. सो दीज आर नॉट एन अचीवमेंट, नॉट अचीवमेंट्स एट एनी कॉस्ट. ठीक है, अचीवमेंट्स क्या है, किस तरह लिखनी आपने अचीवमेंट्स, इट शुड बी लुक लाइक दिस. तस्वीर में नजर आ रहा है कि इस तरह ऑब्वियस हो, नजर आए कि क्या अचीव किया आपने. फिनिश माई कॉलेज स्टडीज, दिस स्टेटमेंट इज वेक, एम्प्लॉयर को यह नहीं बताती कि आपने क्या किया. सो इफ इट हैज बीन योर अचीवमेंट्स, और राइट इट डाउन कि मैंने ग्रेड्स लिए, मैंने पोजिशन ली, मैंने पेपर्स लिखे, मैंने रिसर्च की. सो यू हैव टू इम्प्रेस द एम्प्लॉयर विद की फैक्टर्स ऑफ फिगर्स, नॉट एम्बिगुअस स्टेटमेंट्स. इम्प्रेस करना है, योर एवरी वर्ड, योर एवरी पार्ट ऑफ योर CV शुड बी सो इम्प्रेसिव दैट द एम्प्लॉयर शुड शॉर्टलिस्ट यू, नॉट ओनली शॉर्टलिस्ट यू बट रादर ही शुड मार्क यू, स्टैम्प यू दैट दिस पर्सन इज द राइट चॉइस. सो द कैंडिडेट इज नॉट क्लियर वाई वर्किंग एज एन IT सपोर्ट असिस्टेंट एन अचीवमेंट दैट दे आर पर्टिकुलरली प्राउड ऑफ. उसमें जो हमने पहले देखा ना, उसमें ये नहीं पता चल रहा वो क्या क्या मसला है भाई, उसमें यह बात ही नहीं क्लियर कि वाई एन IT सपोर्ट असिस्टेंट इज एन अचीवमेंट, क्यों ये अचीवमेंट है. सो लुक एट दिस एग्जाम्पल, वी आर गोइंग टू मेक इट करेक्ट करेक्टली. सो हियर इन द गुड एग्जाम्पल वी कैन सी दैट द राइटर हैज एक्सप्लेन दैट ही हैज अचीव व्हाट, इम्प्लीमेंटिंग मेजर सिस्टम्स इन जीरो डाउन टाइम एंड जीरो डेटा लॉस, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ फॉर टू कंसेक्यूटिव मंथ्स, मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कंप्यूटिंग सोसाइटी. सो दीज आर द अचीवमेंट्स, बींग एन IT असिस्टेंट इन अनदर ऑर्गेनाइजेशन, दीज वर द अचीवमेंट्स, दीज वर द थिंग्स दैट ही हैज अचीव्ड. इससे एक इंडिकेशन, एक इशारा इससे मिलता है कि उसने क्या किया. ठीक है, समझ आ रही है बात. अच्छा, नाउ वी आर लुकिंग एट एजुकेशन. सो यू हैव टू प्रोवाइड ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट योर एजुकेशन, क्वालिफिकेशंस एंड रिलेटेड बैकग्राउंड. ये भी उसी तरह की आपने ऐड करनी है. यू हैव टू ऐड दैट इंफॉर्मेशन व्हिच इज इन लाइन विद that job advertisement. If it is not in line with job advertisement, ultimately it will affect your employability. ठीक है, उसको ज्यादा affect करेगी. So look at the bad example that I have shown you, that in this bad example the writer is talking about his nursery school education. He is talking about his primary school education, secondary and high level, higher secondary and so on. एक मतलब है आप kindergarten का और ऐसी चीज़ों का kindergarten के बारे में आपको क्या ज़रूरत है बताने की, nursery की ज़रूरत में not needed. You are going to apply for the job of a psychologist, for example. आपको क्या जरूरत है नर्सरी के बारे में बताएं, वहां आपने वही क्वालिफिकेशन बतानी है जो आपकी एम्प्लॉयबिलिटी की जो रेशियोस को ज्यादा करे. ठीक है, सो लुक हियर, फिर वो डिग्रियां वो कागज के टुकड़े ही सिर्फ रह जाएंगे. ठीक है, सो व्हाइल करेक्टिंग दिस वन, द वन दैट वी हैव हाइलाइटेड हियर इन दिस स्लाइड. सो इसको ठीक करते हुए आपने देखना है कि इसमें आप क्या चीज ऐड करेंगे, या इसको आप किस तरह बनाएंगे कि ये ज्यादा कन्विंसिंग हो, एम्प्लॉयबिलिटी इससे ज्यादा हो. सो फर्स्ट थिंग इज दैट व्हेन यू आर गोइंग टू राइट अबाउट योर एजुकेशन, सो यू नीड टू राइट दीज थिंग्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, एक तरतीब से ईयर वाइज आप लिखेंगे. और जो द वन दैट यू गॉट रिसेंटली दैट शुड कम एट फर्स्ट एंड सो ऑन एंड सो ऑन, इसी तरतीब से सारा कुछ आगे आएगा. ठीक है, देन योर दैट अंडर ग्रेजुएट डिग्री इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एज वी सी. ठीक है, वही डिग्री सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जिसमें आपने जिसकी बेस पे आप अप्लाई कर रहे हैं.
लिहाजा ज्यादा फोकस आपने उसी के ऊपर करना है. यू हैव टू लिस्ट डाउन योर रेलेवेंट मॉड्यूल्स, यू हैव टू मेंशन योर ग्रेड्स. सो इफ द डिग्री क्वालिफिकेशन ग्रेड इज मिसिंग, यहाँ पे इसी तरह है ना, ये पिछली इसके अंदर डिग्री क्वालिफिकेशन के ग्रेड्स मिसिंग हैं और जिस की बेस पे वो बंदा अप्लाई करना चाह रहा है वो सबसे नीचे लिखी हुई है, साइकोलॉजी को सबसे नीचे उसने लिखा हुआ है. सो ऑल दीज थिंग्स आर मिसिंग देयर. व्हाट इज द पॉइंट फॉर अ ग्रेजुएट टू मेंशन देयर नर्सरी एंड प्राइमरी स्कूल ऑन देयर सीवी? जरूरत ही नहीं है ना. सो दीज थिंग्स डजंट स्ट्रेंथन और एड वैल्यू टू योर एप्लीकेशंस. ऐसी वो चीजें, या इस चीज को आपने समझना है, all that doesn't add a value to your application should not be the part of your CV. aisi taleem ko aapne mention nahi kar raha, theek hai. aap bachpan mein kahenge school montessori padhi, primary school, secondary school, jo cheez zarurat hai usko batana aur usko sabse zyada highlight karke batana. products, you are a product and you are going to sell yourself, so the way you will write about yourself will determine your chances of selection. So here, look at this good example. Education and training, BSc Computer Science Honors Austin University, first class degree with professional placement. क्या पढ़ा उसके अंदर professional, क्या कौन से modules पढ़े, क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, वो सारे का सारा हमने यहाँ पे लिखा है. अच्छा, then रेलिवेंट मॉड्यूल्स क्या पढ़े, फिर बाकी के बाकियों से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो हमने शॉर्टली लिखी हैं, डिटेल के साथ नहीं लिखी, ठीक है. वी डिडंट राइट ऑल अदर थिंग्स इन डिटेल, सिर्फ वही चीज़ें लिखी द डिटेल्स विच आर रेलिवेंट टू द रेलिवेंट फॉर योर एम्प्लॉयबिलिटी, जो जिनकी यहाँ पे ज़रूरत है, जिनकी बेसिस पे आपकी सिलेक्शन हो सकती है, जिनकी बेसिस पे आपको चांसेस मिल सकते हैं सिलेक्शन के. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज इन द सीवी इज रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट एंड वर्क हिस्ट्री. इफ यू आर एन एक्सपीरियंस पर्सन एंड यू हैव गॉट एन एक्सपीरियंस, यू हैव वर्क इन एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, सो फिर आपने ये ऐड करना है. इफ़ यू आर नॉट एक्सपीरियंस्ड, आप पहले की आपकी कोई हिस्ट्री नहीं है, सो यू नीड नॉट टू राइट डाउन दीज थिंग्स. यहाँ पे भी आपने वर्क हिस्ट्री कौन सी लगानी है. सो लुक एट द बैड एग्जाम्पल. जॉब एक ही है, वही आई टी असिस्टेंट की जॉब है, आई टी से रिलेटेड जॉब है. ही रोट अबाउट आई टी असिस्टेंट, आई टी एडमिन, आई टी असिस्टेंट, देन क्लीनर, हाउस कीपर, पैकर एंड क्लीनर. सो यू कैन लुक एट दीज थिंग्स, क्लीनर एंड पैकर एंड हाउस कीपर, दे आर नॉट रेलेवेंट. You are going to apply for the job, so you have to write the relevant experience. You need not to write irrelevant experience, that will reduce your chances of selection. So while writing for your work experience, your employment and work history, you have to write down the detail related to name of the company in which you worked in. You have to start and end dates, write the start and end dates, month and year format, जॉब टाइटल एंड द ड्यूटीज दैट यू हैव परफॉर्म. ये वो चीज़ें जो आपने बतानी हैं. सो इसमें जैसे हमने बताया कि ये सारी चीज़ें इसके अंदर मिस हैं, दीज आर नॉट देयर इन द बैड एग्जाम्पल, ऑल दीज थिंग्स आर मिसिंग, ठीक है. रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात नहीं की उसने, ड्यूटीज की बात नहीं की. सो एम्प्लॉयर को कैसे पता चलेगा कैंडिडेट का कि वो क्या करता रहा वहाँ पे, क्या करता रहा. अगर वो चाहता है इस अपने तजुर्बे का, इफ़ यू वांट टू गेट द बेनिफिट ऑफ योर एक्सपीरियंस, यू हैव टू राइट द राइट वे, ठीक तरीके से आप लिखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, वरना उसका फायदा कुछ भी नहीं होगा. दैट विल बी अ वर्थलेस एक्टिविटी, दैट विल बी यूजलेस. सो यू हैव टू मेट इररेलेवेंट डिटेल्स, अदरवाइज इट विल बी एन इनसिग्निफिकेंट एलिमेंट देयर, ठीक है. जरूरत नहीं है यहाँ पे, जैसे हमने कहा कि हैविंग वर्क्ड एज अ क्लीनर इन 2000 विल नॉट मेक द कैंडिडेट अ बेटर आईटी प्रोफेशनल. सो इसके अंदर उसने फिर और क्या गलती की इस बैड के अंदर, बैड एग्जांपल के अंदर, कि एंट्रीज आर पुअरली फॉर्मेटेड एंड अलाइन. अलाइनमेंट को देखिए आप किस तरह उसने बनाई है, हाउ हैज अलाइन द एंट्रीज, पुअरली फॉर्मेटेड, जहाँ जिधर आया लिख दिया, कोई किधर लिखा हो, कोई किधर लूला लंगड़ा करके उसने बना दिया.
So if the information is equally important, then its alignment and its format is also equally important. अगर आप अलाइनमेंट ठीक नहीं रखेंगे, ठीक है, तो फिर डेफिनेटली यू वॉन्ट बी एबल टू इम्प्रेस द एम्प्लॉयर. सो दिस इज द गुड एग्जाम्पल. उसी चीज़ को हमने चेंज किया. सो लुक हियर, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री इज प्रोवाइडेड जून 2008 टू प्रेजेंट. IT मैनेजर, IT सपोर्ट ऑफिसर, IT एडमिन, एंड अलॉन्ग विद दैट आई हैव ऑल्सो मैंशन द ऑर्गेनाइजेशन, द डेजिग्नेशन, द ऑर्गेनाइजेशन एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज. These are the things when you are going to write about your experience, then you have to mention these things. You have to, if you are talking about your employment and work history and you want to get the benefit of your experience, then you have to write down these things. What you did, what you have performed before. Kya karte rahe IT mein apne kya kiya? So you need not to tell that, tell it during interview. Aadhi cheeze aapke yahi pe aapko shortlist karwa deti hain. Jitni achhi CV banayenge, definitely utne chances bhi zyada behtar honge. I'm sure you guys are getting my points quite clear. अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ यू कैन राइट डाउन इन द चैट बॉक्स, यू कैन राइट डाउन योर क्वेश्चंस, अदरवाइज यू विल बी अनम्यूटेड इमीडिएटली वंस द लेक्चर इज कंप्लीटेड. सो योर रेलिवेंट लर्निंग एंड योर वर्क एक्सपीरियंस, दीज आर टू थिंग्स दैट मेक यू रेडी फॉर योर कैरियर, दैट मेक यू द बेस्ट चॉइस फॉर द एम्प्लॉयर. ठीक है, जब आप CV लिख रहे हैं अपने रेलिवेंट लर्निंग लिखनी है, रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस लिखना है, इररेलिवेंट नहीं लिखना. इफ यू राइट द इररेलिवेंट इट विल लीव अ बैड इंपैक्ट ऑन द एम्प्लॉयर. देन कम्स क्वालिफिकेशंस. आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन. एजुकेशन, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स दैट वी विल बी डिस्कसिंग हियर. इन एजुकेशन we talked about academic qualification, academic achievements, but now we'll be talking about other qualifications. In the qualification section, being an optional part of your CV, you have to list your professional training courses and qualifications jo aapne hasil ki. Yahan pe aapne likh diya direct, yahan pe bhi aapne qualification likh di. No, you have already written it देयर इन एजुकेशन. यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कोई आपने ऑनलाइन कोर्स अटेंड किया, कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग अटेंड की, कोई यू हैव अटेंडेड एनी वर्कशॉप, एनी सेमिनार रिलेटेड टू दैट जॉब डिस्क्रिप्शन. ठीक है, यू हैव टू राइट दैट डाउन हेयर हेयर इन दिस प्लेस. सो यहाँ पे ये वो चीज़ें जो आपके प्रोफेशन को आई लगे. अगर नहीं है, दिस इज एन ऑप्शनल ऑप्शनल एलिमेंट, नहीं है तो नहीं है, अगर है तो लिखें इधर, उसको यहां पे मेंशन करना है. ठीक है, सो ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की यहां पे बात हो रही है. मींस इट इंडिकेट्स दैट यू आर क्वालिफाइड फॉर द जॉब, यू हैव गॉट ट्रेनिंग्स, यू हैव अटेंडेड कोर्सेज, यू हैव अटेंडेड वर्कशॉप्स, यू हैव अटेंडेड सेमिनार्स, यू हैव गॉन थ्रू इंटर्नशिप. ये सारी चीजें बेसिकली दीज आर व्हाट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस, रादर दे कैन बी क्वालिफिकेशन. कि एक स्टैंप लग जाती है बंदा क्वालिफाइड है. सिर्फ एजुकेटेड, ही इज नॉट ओनली एजुकेटेड बट क्वालिफाइड. एजुकेटेड मीन्स ही हैज गॉट अ डिग्री एंड ही इज एलिजिबल फॉर द, ही इज एलिजिबल फॉर द जॉब एंड ही इज क्वालिफाइड बिकॉज ही हैज गॉट द ट्रेनिंग रिलेटेड टू दैट जॉब. सो हिज चांसेस फॉर द सिलेक्शन आर बेटर देन द अदर पीपल. सो नेक्स्ट कम्स दैट हाउ वी हैव टू राइट अबाउट क्वालिफिकेशन. सो लुक एट द स्लाइड. के जैसे वहां पर हमने देखा कि जरूरत नहीं है बार बार उसी चीज को रिपीट करने की. अगर आपके पास है तो आप लिखें, नहीं है तो ना लिखें. लुक हियर, लुक एट द गुड एग्जांपल. लेवल 3 NVQ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, MCSE, सिस्को एंड ऑफिस 365 सर्टिफिकेशंस. सो दीज थिंग्स आर हाइलाइटिंग दैट आपके पास क्या है, क्या लेके आप आए हैं. ठीक है, आप क्या लेके आए हैं, ये वो सारी चीजें बता रहे हैं. अच्छा, उसके बाद है स्किल्स. हियर यू हैव टू टॉक अबाउट योर की स्किल्स दैट विल इनेबल यू टू डू द एडवर्टाइज जॉब वेल. वो स्किल्स आप बताएंगे. वो कहते हैं जी कि इसके पास ये होना चाहिए, बड़ा प्रोफेशनल हो, इसको ये चीज़ें, ये जहाज इसको चलाना आता हो, गाड़ी चलानी आती हो, या इस तरह की चीज़ें. सो आपको, आपने वही स्किल्स वहाँ पर बतानी है.
You have to tell only those skills which are relevant to that job. Excellent communication skills, excellent management skills, great IT skills. This is a bad example. Why this is a bad example? We can look here in this slide. These items are too vague and they are not backed up by examples from real life situations. Communication skills hai to usne real life examples nahi di. So you just listed a bunch of skills that for the sake of listing them, sirf likh diya likhne ki khatar, usne ye nahi bataya ki uske paas hai. Acha, yahan ek baat yaad rakhni hai. Okay, when you are going to write your CV, you have to give only true details. Do not write false details. Jo cheez aapke paas nahi hai uske bare mein nahi likhna. Do cheeze jo do galtiyan hum karte hain, two big mistakes. One is ki ek cheez hamare paas nahi hai hum uske bare mein likhte hain. Dusra ye ek jo usne pucha nahi hai uske bare mein likhte hain. Ye dono cheeze aapke liye problem create karte hain. Theek hai, so it is recommended to make entries in this section specific and descriptive. When you are talking about your skills, so it should be specific and descriptive like this. Look here in the on good example. Green mein aapko nazar aa raha hai. Excellent knowledge of a variety of programming languages including Java, Python, C, JavaScript, PHP and SQL. Strong troubleshooting skills with software, hardware and networking products. Expert in networking, fault diagnostics and troubleshooting, Cisco routers, Cisco switches, routing and switching configuration and technologies. ये वो चीजें हैं जिसके जरिए employer जो वो attract होगा और वो उसको पता चलेगा that ये इसी बंदे के बारे में बात करूँ, मुझे इसी तरह का बंदा चाहिए. मैंने इसीलिए कहा कि जब आप apply करेंगे job के लिए तो आप job advertisement को देखेंगे, advertisement में क्या लिखा हुआ उसके मुताबिक आप अपने सारे की सारी details उसके मुताबिक आप लिखेंगे. ठीक है, उसी के मुताबिक आप बताएंगे, अपने आप को उनके सामने पेश करेंगे कि मैं क्या हूँ, क्या बुलाऊँ मैं जी यूनिवर्सिटी में, मैंने क्या क्या तीर मैंने मारे, क्या मैंने सीखा. नाउ अपार्ट फ्रॉम योर स्किल्स, अपार्ट फ्रॉम योर वर्क एक्सपीरियंस, डेफिनेटली यू आर नॉट अ 25 आवर्स वर्कर, सो अदर देन वर्किंग और भी कुछ काम आप करते हैं. सो ये चीज़ें इंडिकेट करते हैं यू आर अ वेल राउंडेड पर्सन. ये नहीं है कि सुबह से रात तक आप बैठ के ऑफिस में काम ही करते रहते हैं, बल्कि दुनिया की और भी चीज़ों का आपको कुछ ना कुछ चीज़ों के साथ लेना देना है, कुछ चीज़ों में और भी इंटरेस्ट है. सो दैट इंटरेस्ट शुड नॉट बी लाइक दैट जी मुझे ताश खेलने का शौक़ है, मुझे जनाब आवारागर्दी का शौक़ है, मुझे कुत्ते रखने का शौक़ है, कुत्ते मीन्स कुत्तों की लड़ाई का, कबूतर उड़ाने का शौक़ है. सो इस तरह की हॉबीज़ या इंटरेस्ट नहीं बताने. सो एजुकेटेड एंड सोफिस्टिकेटेड हॉबीज़ शुड बी देयर, जो आपकी आदत हॉबीज़ में भी हों. So your hobbies will also demonstrate that you are a well-rounded person and you are involved in extracurricular activities in the community. यानी कि आप society के अंदर कोई काम कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर poor लोगों की help करते हैं, मदद करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा blogging, writing, podcasting, marketing, yoga, art, travel, photography, learning languages. These are hobbies. So in this slide I have highlighted a bad example. I enjoy skiing, hiking, playing football, going to the gym, eating out with my friends, bird watching and going to the church on Sundays. Bad example hai. Kyun bad example hai? Because ki usne irrelevant hobbies usne mention ki aur ye hobbies uski application ke sath ko wo value nahi karte, usko mazid mazboot nahi karte. When you are going to write your hobbies, do not disclose your political or religious affiliations. Avoid listing too many hobbies. Zyada nahi likhni. Apne aap ko ek sober insaan dikhana. Theek hai? Yani your hobbies agar aap nahi likhte, so it indicates you are just a machine. Machine hai, bas 24 ghante aap ye kaam karte. No, you are not a machine. You have got something, some other things to do. Kuch aur bhi maashre mein aap karte. Theek hai? बट वो कुछ और जो है वो इस तरह का भी ना हो कि वो बिल्कुल साफ ही कुछ और हो. अच्छा, देन आई हैव चेंज्ड दिस वन द बैड एग्जांपल इनटू गुड एग्जांपल दैट आई एंजॉय रीडिंग नॉन फिक्शन बुक्स, बिल्डिंग कंप्यूटर नेटवर्क्स, सॉल्विंग पजल्स एंड सोशलाइजिंग विद फ्रेंड्स एंड फैमिली. ठीक है. अच्छा, इसके बाद लास्ट पे, यानी कि हर एलिमेंट जो आपने लिखना है अपने सीवी का, each and every content of your CV,
must have the information, must deal with job advertisement. यानी हर चीज उससे उसके मुताबिक हो, irrelevant ना हो, उससे उसका ताल्लुक होना चाहिए. References हैं, if you are applying for the job as a psychologist तो फिर psychologist के ही references होंगे. ये नहीं है कि references आपने दिए ऐसे लोगों के, साइकोलॉजिस्ट हैं तो आपके उस्ताद हैं साइकोलॉजी पढ़ाई, या कोई साइकोलॉजिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उनके आप दें. आप ऐसी कोई चीज़, ऐसा कोई रेफरेंस ना दें जिसका उससे कोई ताल्लुक नहीं, लेना देना ही नहीं है. आपने मोहल्ले के नाजिम साहब का नाम लिखवा दिया रेफरेंसेस में. उनसे आपके बारे में पूछेंगे, भाई यार ये कैसा बंदा है, तो वो कहेंगे हाँ जी बस अच्छा है जी, पाँच वक्त नमाज पढ़ता है. सो दैट कैसा बंदा आपके बारे में पूछे तो कौन पूछे. इफ यू आर अप्लाइंग फॉर द जॉब एज अ साइकोलॉजिस्ट तो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के एचओडी को पता हो, बहुत अच्छा बच्चा है जी, बड़ी इसने मेहनत की, बड़े ग्रेड्स लिए हैं, बड़े आउटस्पोकन था, बड़ा परफॉर्म करता था. दिस इज व्हाट यू नीड टू टेल. सो आपने रेफरेंसेस भी इसी तरह के देने. अच्छा इसमें एक बात और भी, व्हेन यू आर गोइंग टू सेलेक्ट फॉर द रेफरेंसेस, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, एस्पेशली नॉट एट दिस स्टेज, एट यू आर जस्ट अ बिगनर, इसमें शायद इतने मामला ना, बट व्हेन एट लेटर स्टेजेस जब आप रेफरेंसेस लगाते हैं तो ये होता है कि बाज़ दफ़ा वही रेफरेंसेस आपके लिए वबाले जान भी बनते हैं. जो बाज़ार बड़े मीठे मीठे नज़र आने वाले लोग होते हैं, वही जब उनसे पूछा जाता है जहाँ जी ये मोहतरमा कैसी हैं जी, तो वो उस मोहतरमा की इतनी बदख्वाहियाँ करते हैं, इतनी बदख्वाहियाँ करते हैं कि बंदा कहता है जी ओहो बस ये तो जुल्म है. यानी कि किसी भी बंदे के बारे में वो फिर बजाय इसके कि वो आपकी तारीफ़ करते हैं, वो पता चलता है कि उसी रेफरेंसेस नहीं आपका जो है ना वो आपकी कश्ती डुबोई होती है. सो इसलिए रेफरेंसेस सेलेक्ट करते हुए एहतियात करनी है. ओके, वी आर लुकिंग एट बैड एग्जांपल हियर हाइलाइटेड इन रेड, मिस्टर एवन टेस्को बर्मिंगम वेस्ट मिडलैंड्स. सो एक इंफॉर्मेशन दी गई, इसके अंदर गलतियां क्या है उसको देखते हैं. इसके अंदर सबसे पहली बात है कि रेफरी नेम जो है वो फुल नहीं लिखा हुआ, इट नीड्स टू बी रिटन फुल. रेफरी के जो जॉब टाइटल पोजीशन है वो मौजूद नहीं है, एड्रेस कंप्लीट नहीं है. यहाँ देख लीजिए, जॉब टाइटल नहीं है, एड्रेस कंप्लीट नहीं है. सो इससे की बेस पे ये रेफरी जो है दैट लुक्स टू बी ऑकवर्ड. सो दिस वन इज करेक्ट वन, मिसेज साइमा खान, आईटी एग्जीक्यूटिव मैपलिंस. जॉब टाइटल और उसके बाद ये मैपलिंस क्या है ये लिखे, फिर इस तरह लिखेंगे एड्रेस, टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस. ठीक है, ये तरीका कार उसके बारे में बताने का. देन रेफरेंसेस फ्रॉम योर करंट एम्प्लॉयर आर आउटस्टैंडिंग, दे मस्ट रियली वांट टू गेट रिड ऑफ देम. मजाक उसने किया, कहता है कि आपने जो रेफरेंसेस दिए जिधर आप पहले जॉब करते थे वहां का आपने रेफरेंस दिया, यू हैव साइटेड द रेफरेंस ऑफ समबडी एंड दैट पर्सन इज वाज एक्चुअली अगेंस्ट यू. जब आपने उसी के बारे में बात की, जो मेरे बारे में उनसे पूछ लें जी, मेरे बारे में उनसे पूछ लें, और वो आगे से आपके ऐसा चांद चढ़ाए कि आपके वो यार इसने तो मुझे मरवा दिया, और वो पता चले कि यही बंदा असल में ये चाहते हैं जान छुड़ाना, कोई और इसको ले जाइए, रिजाइन अगर इसको हम मजबूर करेंगे तो ये हमें देने पड़ेंगे पैसे, इसको ये खुद ही निकल जाए यहां से किसी ना किसी तरीके से. सो यू हैव टू बी केयरफुल व्हाइल सिलेक्टिंग योर रेफरेंसेस. एंड नाउ वी आर लुकिंग एट द एग्जांपल. ये एक सीवी की एग्जांपल मैंने आपके सामने रखी है, आप इसको देखिए. इसी तरह आपने सीवी कंस्ट्रक्ट भी करनी है, इन द सेम वे यू हैव टू राइट योर सीवी. ठीक है, यू कैन लुक एट द एग्जांपल. नाउ आई एम गोइंग टू स्विच ऑन योर माइक्स. ठीक है, अभी आप बातचीत कर सकते हैं. नाउ यू कैन टॉक एंड यू कैन टेल मी अबाउट वट एवर यू सॉ इन दिस प्रेजेंटेशन. कोई क्वेश्चन है आपका तो पूछिए अभी, इसके बाद आगे जो बातें हैं वो आराम से भी डिस्कस हो जाएंगी. यस, एनीबॉडी, अदनान, अलीशा, आमना शेख, अनीसा मुश्ताक, अन्ना मल्ली, आयशा मुनीर, बिस्मा मकबूल, ईमान फातमा, फरिया नहीम, फातिमा खान, इंजा इफ्तिखार, इकरा अमजद, इस्माइल खान. सर जी जी बोलें, क्वेश्चन है आपका. सर जी सर,
सर एजुकेटेड और क्वालिफाइड में क्या डिफरेंस होगा? जैसे आपने बोला था कि कोई एजुकेटेड है लेकिन क्वालिफाइड नहीं है। यस, एजुकेटेड और क्वालिफाइड में द मेन डिफरेंस, एजुकेशन इज द वन दैट यू गेट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, दैट इज योर ट्रेडिशनल डिग्रीज बेस्ड ऑन योर ट्रेडिशनल डिग्रीज, एंड दैट विल इनेबल यू एलिजिबल फॉर द जॉब. ठीक है, वेयर एज द क्वालिफिकेशन इज द वन दैट यू आफ्टर गेटिंग द डिग्री दैट यू गेट टू इम्प्रूव योर सेल्फ, टू इम्प्रूव योर स्किल्स. Like you attended workshops, you attended trainings, you attended online trainings, you attended seminars. ठीक है, इस तरह की चीजें जो आपने सीखी, these are the qualification that will make you qualified. Whereas education is what ओके that you have सर, attended at the university. पढ़ा आपने भी साइकोलॉजी की, that is your education. But the qualification is ये है, आपने कोई इंटर्नशिप की, कोई ट्रेनिंग अटेंड की, कोई सेमिनार अटेंड किया, कोई वर्कशॉप अटेंड की, कोई रिसर्च उसके ऊपर आपने रिसर्च कॉन्फ्रेंस को अटेंड की, वो सारी की सारी दैट इज योर क्वालिफिकेशन. यस, एनी अदर क्वेश्चन? ओके सर। सर आई हैव अ क्वेश्चन। यस प्लीज. सर जैसे आपने रेफरेंसेस में कहा कि अगर आप एक जॉब छोड़ के जा रहे हो दूसरी जॉब में और उस एक मतलब किसी सीओ पे आप अपना जो रिकग्निशन जो लेटर वगैरह होता है वो लिखवा रहे हैं, तो अगर हम लोग यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट जा रहे हैं, अगर तो यूनिवर्सिटी में मतलब आपने पढ़ लिया, आपके पास डिग्री है, तो हम लोग अपने जो एचओडी वगैरह उन पे लिखवा रहे हैं, तो इसी तरह होगा कि मतलब हम एचओडी वगैरह या जो हमारी क्लास हमारी यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल होंगे हम हाँ, उन लिख पे वो सकते हैं. लेटर लिख पाएंगे? देखें, मैं आपको इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ. पुराने ज़माने में, शायद अभी भी है, गवर्नमेंट स्कूल्स में, कॉलेजेस में कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जाता है. जब आपने कॉलेज में, जब आप कॉलेज लेवल तक जब होता है, तो उसमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया जाता है. बंदे के बारे में बताया जाता है, ये कैसा है, कॉलेज देता है, ये यहाँ पे पढ़ता रहा 2 साल 4 साल. रेफरेंसेस में बेसिकली ये होता है कि जब आप लिखते हैं रेफरेंसेस, उससे बताना ये होता है कि मेरे बारे में अगर पूछना है तो इनसे पूछे मैं कैसा बंदा हूँ. ठीक है, मेरे बारे में ये बताएंगे. रेफरी जिसको हम कहते हैं, रेफरी, कि रेफरी वो फैसला करेगा आप कैसे आदमी है. सो आप ऐसे लोगों का इंतखाब करें अपने फील्ड से रिलेटेड जो आपके बारे में एक अच्छी राय रखते हों और अच्छी ही राय आगे भी दें. ठीक है, डिड यू गेट माई पॉइंट? यस सर। ओके, प्लीज एनी मोर क्वेश्चन? सो वंस यू आर डन विद योर राइटिंग योर सीवी, सो यू हैव टू लुक एट दीज टिप्स, यू हैव टू लुक एट दीज इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स रिलेटेड टू सीवी. ठीक है, सीवी के कुछ टिप्स हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपने देखने हैं सीवी को डील करते हुए, जैसे यहाँ पे मैंने बताया भी है. द फर्स्ट वन इज कि जब भी आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, यू हैव टू अडेप्ट इट. अडेप्टेशन होती है कि एक से दूसरा, यानी कि यू हैव टू लुक एट द एडवर्टीजमेंट एंड यू हैव टू मेक योर सीवी अकॉर्डिंग टू दैट एडवर्टीजमेंट. रिक्रूटर्स हेट सीवीज विच आर टू लॉन्ग, कीप इट 2 to 1 to 2 pages. ज्यादा से ज्यादा 2 pages तक की सीवी हो. जितनी बड़ी सीवी होगी उतना ज्यादा वो उसके रिजेक्शन के चांसेस ज्यादा है. एक पेज पे उतारे सब कुछ, एक पे नहीं उतरता, 2 पे बस, नॉट मोर देन 2, नेवर नेवर. ठीक है, एंड वेन यू आर गोइंग टू राइट अबाउट योर पर्सनल प्रोफाइल, सो यू हैव टू राइट इन सच अ वे दैट यू हैव टू कन्विंस द रिक्रूटर, यू हैव टू गेट द अटेंशन ऑफ द रिक्रूटर. पर्सनल प्रोफाइल जब लिखते हैं, थोड़ा सा टाइम होता है उसके पास, शॉर्ट टाइम में आप उसको 3 4 5 sentences में अपने बारे में बताते हैं, अपनी अचीवमेंट्स के बारे में जब आप बताएं, तो यू मस्ट टॉक अबाउट योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज की मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली और इसमें रह के मैंने क्या अचीव किया, ये जॉब थी, ये जिम्मेदारियां थी, ये अचीवमेंट्स की. अच्छा, इसमें फिर एक और चीज है कि मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर ऑफर्ड ऑनलाइन एप्लीकेशंस टू फिल, उधर भी आपने ख्याल रखना है. ठीक है, लुक एट द डिटेल्स, कि डू नॉट राइट एनी इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन. प्रोफाइल
प्रूफ रीड योर एप्लीकेशन मोर देन वन एंड करेक्ट योर मिस्टेक्स. उसको बार बार पढ़ें, उसको देखें कहीं आपके उसके उसके अंदर कोई ऐसी मिस्टेक तो नहीं है, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन तो नहीं आपने इनकॉर्पोरेट कर दी जो कि जरूरी नहीं थी और आप इधर उधर चलते रहे. सो फार वी हैव सीन गुड एग्जाम्पल्स एंड बैड एग्जाम्पल्स बोथ. सो व्हाइल लुकिंग एट गुड एग्जाम्पल्स वी सॉ दैट द गुड एग्जाम्पल द पोर्शन दैट वी सॉ द गुड एग्जाम्पल दैट वॉज प्रोफेशनली रिटन टू इम्प्रेस एम्प्लॉयर्स एंड सिक्योर जॉब इंटरव्यू इन्विटेशंस. जो बैड एग्जाम्पल थी दैट वॉज अनइम्प्रेसिव एंड पुअरली रिटन. सो अल्टीमेटली इट विल लूज द चांसेज ऑफ इम्प्रेसिंग द एम्प्लॉयर एंड सिक्योरिंग जॉब इंटरव्यूज. सो वंस यू हैव रिटन अ गुड सीवी सो यू विल बी गेटिंग अ कंग्रेचुलेशंस दैट नाउ यू हैव प्रेटी गुड आइडिया हाउ टू राइट अ गुड परफेक्ट सीवी बाय फॉलोइंग स्टैंडर्ड सीवी राइटिंग कन्वेंशंस एंड अवॉइडिंग सम कॉमन मिस्टेक्स. जब आप लिखेंगे तो आप उनको यानी कि उन मिस्टेक्स को अवॉइड करेंगे. कुछ ऑनलाइन सीवी बिल्डर्स भी मौजूद हैं, रेज्यूमे या सीवी जो बनाते हैं आप उनको फॉलो करके भी लिख सकते हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से, लेकिन इन्फॉर्मेशन यही वाली सारी आपने देनी है. मैंने बताया ना कि आपको ये इल्म हो कि कहाँ पर आप क्या लिखेंगे. एक्चुअल मतलब नाम बदल के अगर वहाँ पर एक जगह पर क्वालिफिकेशन लिखा है, एक जगह पर एजुकेशन लिखी है, आपने दोनों जगह पर BSc साइकोलॉजी लिख दिया है, सो दैट इज़ नॉट करेक्ट. ठीक है, नहीं है तो आप उसको डैश कर दें, बस दैट्स इट, दैट्स इनफ. अगर है तो आप उसको लिखें. सो ऑनलाइन सीवी बिल्डर्स को जरूर फॉलो करें. यू मस्ट गेट द हेल्प फ्रॉम इट, यू मस्ट गेट द गेट इट्स बेनिफिट्स. दीज आर डिफरेंट लिंक्स एंड आई विल बी शेयरिंग दीज लिंक्स, आई विल बी शेयरिंग दिस प्रेजेंटेशन विद यू एंड गूगल क्लासरूम. वहाँ से आप डाउनलोड भी कर लीजिएगा. आई वुड रिक्वेस्ट यू टू जॉइन द गूगल क्लासरूम. आई हैव ऑलरेडी sent the classroom code to the entire class and moreover मेरी आपसे गुजारिश होगी कि CR को आप सारे लोग अपना ईमेल एड्रेस दें ताकि आपको क्लास के जॉइनिंग की इन्विटेशन एक दफ़ा ऑटोमेटिकली वाया ईमेल सेंड कर दी जाए. ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड टूडे एंड फॉर योर क्वेश्चन आई विल बी वेटिंग राइट नाउ एंड वील बी डिस्कसिंग योर क्वेश्चन ओनली. And I'll be requesting you to look at the look at this CV and find out that how the writer has incorporated the information. इसको देखें और इसके बाद मुझसे आपने questions करने. You have got 5 minutes to look at this CV and in the last 5 minutes we'll be asking questions. Sir, I have a question. Yes, please. Sir, जिस तरह हम लोगों ने अपनी सीवी में लिखा है professional training, skills वगैरह और achievements जो है, तो जब हम लोग लिखते हैं achievements तो हमारे पास certificates होते हैं, तो वो हमें किस तरह अटैच करने पड़ते हैं या फिर हम लोगों को कैसा वो करना पड़ता है कि अच्छा हमारे पास ये सर्टिफिकेट्स हैं तो हम लोगों को सिर्फ लिखना पड़ेगा कि ये हम लोगों ने अचीव किया हमें सर्टिफिकेट. No, you have to mention. ठीक है, CV में सिर्फ आपने लिखना है, चीज़ें अटैच नहीं करनी. अगर इफ़ यू आर आस्ड, इफ यू लुक एट द जॉब एडवर्टीजमेंट एंड दे आस्क यू दैट यू हैव टू सेंड द CV एंड योर डॉक्यूमेंट्स बोथ, फिर आप वो चीज़ें साथ लगाएंगे. जो आपने यहाँ पे CV के अंदर मैंशन किया होगा दैट यू आर BSc इन साइकोलॉजी, BS साइकोलॉजी की डिग्री लगी हो. अगर आपने कहा जी कि मेरे पास ये बिजनेस मैनेजमेंट की ये सर्टिफिकेट था, ये अचीवमेंट थी मेरी, ये अचीवमेंट थी, उसमें अगर आपके पास कोई रेलिवेंट सर्टिफिकेट आपको कोई दिया गया किसी इदारे ने दिया, सो यू हैव टू ऐड दैट सर्टिफिकेट. ठीक है, यस सर, यस, गुड. प्लीज और क्वेश्चन पूछें. क्यों जी, कोई सवाल नहीं आ रहा अभी तक. CR लोग सो गए हैं क्या या भाग गए? I don't know, sir.
हाँ, या भाग के ऑनलाइन क्लास है, ठीक है, डंडी मार जाओ, कोई मसला नहीं, कौन से किसी को पता चलना है, ये फिर ये काम होगा। अभी मैं क्वेश्चन करने लगा हूँ ना, देखें अभी पता चलता है। मिसबा तहसीन, समझ आई आपको? एक बंदा अगर हाजिर है, ठीक है, सुनते जाएं अभी। अलीशा अकरम, यस सर, अच्छा अच्छा मैं हूँ। अच्छा ठीक, यस सर, मैं रीड कर रही हूँ। अच्छा। अनीसा मुश्ताक, सर मैं रीड की, आपने जो शेयर किया वही रीड कर रही थी बैठी हुई। जी ओके ओके। अनम अली, ओके सर, ओके ओके। आयशा मुनीर, यस ठीक सर, है ठीक है, पता चल गया मुझे। बिस्मा मकबूल, यस सर हूँ मैं। ईमान फातमा, देख लें, ईमान फातमा जो है नमाज पढ़ रही होगी अभी। फरिया नहीं, फातिमा खान, ये लोग डंडी मार गए ना सारे तीनों। इंजा इफ्तिखार, चौथा, यस सर, हाँ तीन बंदे डंडी मार गए। सीआर नोट करते जाए इनका, फिर बाद में इनके ऊपर जुर्माना करना है। इकरा अमजद, प्रेजेंट हूँ सर। इस्माइल खान, यस सर, मिसबा तहसीन, यस सर, यस मोमिना आशिक, यस सर,